माता की जय। श्री महाकाल, आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आपकी मंगल कामना के लिए मैं भगवती से हमेशा प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी सुखी रहें और हमेशा मेरे साथ जुड़े रहें प्रेम पूर्वक। ठीक है, तो आज का जो मेरा टॉपिक है कि अकाल मृत्यु से रिलेटेड मेरा टॉपिक है कि अकाल मृत्यु क्यों होती है, और जब अकाल मृत्यु जो लोग करते हैं उनका क्या हशर होता है, और उन्हें क्या दंडनीय अपराध मिलता है, और ये अकाल मृत्यु होती क्यों है, और इसके बाद आत्मा का क्या हाल होता है। तो उससे रिलेटेड मैं आपको ये वीडियो बना रही हूँ। ये किसी की हाई रिक्वेस्टेड वीडियो है समझो, क्योंकि उनके किसी जवान बच्चों की हर साल बाद डेथ होती है, जवान उनके घर से जाते हैं तो ये जानना चाहते हैं वो कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, हमारे साथ। ठीक है, तो आपको मैं बता रही हूँ, जैसे कि गरुड़ पुराण तो सभी ने सुना है, जैसे कि गरुड़ पुराण मरने के बाद सभी लोग बिठाते हैं ना गरुड़ पुराण, तो गरुड़ हिंसावलोकन में भी बताया गया है कि गरुड़ पुराण में बताया है कि अगर अकाल मृत्यु कोई व्यक्ति करता है, जैसे अकाल मृत्यु में कैसे आता है, जैसे सुसाइड करना, जैसे कि कोई पानी में डूब गया, करंट लगा लिया, फांसी लगा ली, जहर खा लिया, जो भी कुछ, अकाल मृत्यु मीन्स कि अपने आप ही अपने आप को खत्म कर देना है ना, अकाल मृत्यु होती है। तो वो अकाल मृत्यु आपको जन्म जन्म आपको नरक भुगतना पड़ता है, और जितनी उम्र आप लेकर के आए होते हैं उतनी उम्र में आपको मृत्यु लोक में किसी भी प्रेत या पिशाच योनि में रहना पड़ता है। यही आत्माएं फिर आज आकर के किसी के शरीर में जाती हैं, उन्हें तंग करती है, जिनके शरीर में आसानी से जा सकती है, जो पूजा पाठ नहीं करते, जिनका ऑरा मंडल स्ट्रांग नहीं होता है, जिनके जो कभी भी भगवान की भक्ति नहीं करते हैं उनके अंदर ये प्रवेश कर लेती है। मोस्टली अकाल मृत्यु जिनकी हुई होती है, और जो सुसाइडेड केस होते हैं, एक्सीडेंटल केस होते हैं, जो इन आत्माओं का और जिनकी बॉडी मिलती नहीं है उनके परिजनों को, जो उनका दाह संस्कार ही नहीं करते हैं, तो वो जो लोग हैं उनका ज्यादा ऐसा केसेस होते हैं कि वो ऐसे ही भटकते रहते हैं, फिर वो प्रेत बनते हैं, पिशाच बनते हैं, या फिर कोई इनको जैसे कि ये तांत्रिक वगैरह होते हैं पकड़ लेते हैं, तो ये इनसे कार्य करवाते हैं, तो ये गंदे कार्य भी कराते हैं, अच्छे भी कराते होंगे, क्या पता क्या कराते हैं क्या नहीं कराते। मैं तो वैसे जानती रही हूँ, पर मैं आपको ये गरुड़ संहिता के अनुसार निमित्त ये बात बता रही हूँ कि ऐसा है। फिर जब तक उनका जीवन इस धरा पर, जितनी उनको मृत्यु, सपोज करो उनको 90 साल का जीवन दिया गया और उन्होंने 50 साल में ही, सॉरी 25 साल में सुसाइड कर लिया, तो फिर उनको 90 साल तक जब तक नहीं होगा तब तक इस धरती पर उनको वो योनि भुगतनी पड़ेगी। उसके बाद भी अगर उनकी कोई मुक्ति करवाता है तब मुक्ति होगी, अदरवाइज मुक्ति नहीं होगी, और अजन्म अजन्म वो प्रेत योनि में भटकते हैं। और फिर आप खुद देखिए कि कितने एक्सीडेंट होते हैं, कितने सुनामी में चले जाते हैं, कितनी इन चीजों में चले जाते हैं, और कितने खुद सुसाइड कर लेते हैं। तो ये सभी आत्माएं ऐसी होती है जो तंग करती हैं, और तंग करके कभी किसी में प्रवेश कर लेती है, कभी किसी में प्रवेश कर लेती हैं, और फिर उनको, फिर उनके साथ सब कुछ भोगती हैं वो, हर जो शरीर, जो मनुष्य शरीर में उन्होंने भोगना होता था, खाने का स्वाद, हर चीज का स्वाद, जिस तरह जीवन का कोई भी मतलब एंजॉयमेंट है, वो सब फिर ये इंसान के शरीर में जा करके उसके साथ ही करती हैं, है ना। तो अब इन सब से निवारण करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो जैसे विष्णु भगवान जी, विष्णु भगवान जी ने इसे बहुत दंडनीय अपराध बताया गया है। विष्णु भगवान जी कहते हैं कि जो भी शख्स ये कार्य करता है वो प्रभु प्रेमी नहीं होता है, उससे भगवान नाराज होते हैं और वो भगवान का अनादर करते हैं, क्योंकि हर एक जीव के अंदर परमात्मा का वास है, और अगर वो परमात्मा की बनाई या परमात्मा की, परमात्मा को सबसे प्यारा मनुष्य शरीर है, और परमात्मा की बनाई हुई चीज के साथ अगर कोई ऐसे खिलवाड़ करता है, अपनी मर्जी से उसको डिस्ट्रॉय करता है, तो भगवान उससे नाराज होते हैं, ना उससे इस लोक का रहने देते हैं ना उस लोक का रहने देते हैं। तो अकाल मृत्यु तो कभी करनी ही नहीं चाहिए। और ये होती कैसे है, ये अकाल मृत्यु अगर भगवान ने हमारे जीवन में लिखा होता है कि अकाल मृत्यु होनी है, कि ये हम सब कुछ खुद ही करते हैं, तो इसके
तो जैसे कोई प्राकृतिक रूप से व्यक्ति मरता है ना, तो वो 13 दिन के बाद वो शरीर ले लेता है, ठीक है। अगर तो अच्छे पुण्य कर्म हुए होते हैं तो उनको फिर मनुष्य जीवन में भी हो जाता है, बहुत ही अच्छे हुए होते हैं, भक्ति भाव का किया हो तो मोक्ष प्राप्ति भी हो जाती है, नहीं तो किसी जीव या किसी प्राणी के रूप में 13 दिन के बाद कोई भी मनुष्य मरने के बाद जन्म ले लेता है, अपने घर को छोड़ देता है, अगर अगर उसके उसी घर में आना हो तो वहां भी जन्म ले लेता है, और अगर उसका अच्छा मार्जन तर्पण वगैरह सब कुछ किया होगा, पूजा पाठ किया, पिंडदान वगैरह किया होगा, उनका क्रियाक्रम जो भी कुछ होता किया होगा, तो वो अच्छी योनि में चले जाते हैं, कहीं ना कहीं उनकी आत्मा को शांति मिल जाती है, पितर बन जाते हैं, कोई कहीं जन्म ले लेते हैं, ठीक है। तो भगवान के निमित्त ये कार्य किए जाते हैं। बाकी रह गई आत्महत्या की बात, तो ये हद तक तो मेरा जो मानना है, मुझे तो नहीं इतना ज़्यादा, मतलब जितना सा पता है, जितना सा थोड़ा बहुत हम भगवती से भी पूछ लेते हैं, क्योंकि मैं जो भी थोड़ा बहुत टॉपिक बनाती हूँ वो मैं, अगर मुझे नॉलेज हो तभी मैं करती हूँ, क्योंकि मुझे, मैं कभी किसी का फिर कॉपी करके फिर वो एक सा टॉपिक हो जाता है, अगर आप किसी का कैच भी करते हैं ना, तो इस वीडियो में भी वही, दूसरी वीडियो में भी वही, तो मैं वो आपको बताना चाह रही थी कि इसमें फिर वो अपनी जितनी भी उनको जीने के लिए आयु मिली होती है ना, तो वो जब उसका लेखा जोखा खत्म हो जाता है संसार से, अब उसने देना है या कुछ करना है या वो करना है, तो फिर वो तब भी कोई कारण बन जाता है, क्यों, क्योंकि जितनी उनको आयु होती है फिर उसको किसी न किसी बहाने से करते ही हैं खत्म। लेकिन हद तक जो गरुड़ पुराण में भी कहा गया है, भगवान का भी ये आदेश है कि जो खुद अपनी जिंदगी को खत्म करता है मैं उसे कभी माफ नहीं करता हूँ, क्योंकि कई जन्मों के बाद ये मनुष्य शरीर मिला होता है, और ये मनुष्य शरीर में आप लोगों को जब तक है तब तक अपने दुख और सुख को साथ रख के भुगतना चाहिए, प्रभु नाम करना चाहिए, क्यों, क्योंकि इंसान जब 9 महीने पेट में होता है तो भगवान से यही प्रार्थना करता है कि प्रभु इस गर्भ जून से मुझे निकालिए और मैं धरती पर जाकर के आपका सुमिरन करूंगा, जब तक मेरा जीवन काल चलेगा मैं आपकी भक्ति करूंगा, आपका सुमिरन करूंगा, उसके बाद आप नहीं करते हैं, और क्या क्या कार्य करते हैं, क्या क्या कार्य करते हैं, कितने गंदे कार्य करते हैं, उससे प्रभु की आत्मा दुखी होती है, उसके अनुसार आपके कर्म खराब होते हैं, उस उन कर्मों के खराब होने के कारण तो आपके परिवार पर ही वो चीज पड़ती है, फिर आपका बच्चा सुसाइड करेगा, या फिर आपकी वाइफ सुसाइड करेगी, या फिर कोई और सुसाइड करेगा, जिसके निमित्त आपको दुख प्राप्त होएगा। इसीलिए तो कहा जाता है कि आप अच्छे कर्म करिए, नहीं तो आपको औलाद का दुख मिलेगा। औलाद क्यों दुख देती है आपको? क्योंकि आपके कर्म गंदे होते हैं, क्योंकि माँ बाप के कर्म जो होते हैं ना वो बच्चों के साथ चलते हैं। किसी व्यक्ति की औलाद इतनी सुखी होती है, वो गरीब भी है तभी उनके बच्चे ऑफिसर लगे हैं, अच्छे अच्छे करते हैं, और किसी इंसान के कर्म इतने गंदे होते हैं कि उसके बच्चों के पास सब कुछ है लेकिन वो सुख नहीं पाते हैं, दुखी रहते हैं, चाहे उसका बेटा हो बेटी हो कोई भी जीवन में वो दुखी रहते हैं, तो ये हमारे कर्मों का भुगतान होता है, जैसे हम करते हैं तो वो हमारे बच्चों पर पड़ता है, उसके निमित्त अगर किसी का बच्चा मरेगा तो फिर पेरेंट्स को कितना दुख होता है, माँ को दुख होएगा, बाप को दुख होगा, कितना दुख होता है, बहुत दुख होता है ना। इसीलिए कहते हैं कि कर्म अच्छे करिए, आपके आगे बच्चों को भुगतान होगा, हर कोई यही कहता है कि इसके बच्चों पर पड़े, ये गलत कर रहा है, इसने गलत किया, इसके बच्चों पर पड़े, इसके परिवार पर पड़े, तो फिर वो भी अकाल मृत्यु का कारण बन जाते हैं। तो ये थोड़े से कारण होते हैं, अकाल मृत्यु ना होनी चाहिए, ना कोई करे, और जिन्होंने जिनके की हुई है वो उनका अपना निवारण करे, ताकि वो प्रेत जोनी में रह करके कहीं उनकी आत्मा ना टकती है और आपको वो तंग ना करे, आपके परिवार में कोई समस्या ना पैदा करे, आपकी वृद्धि ना रोके, कुछ भी हो, जिसकी भी अकाल मृत्यु हो उसका निवारण करे। तो मेरा टॉपिक ना लंबा हो करके मैं थोड़ी थोड़ी आपसे बात किया करूंगी। तो फिर जय माता की, जय श्री महाकाल, और आप वीडियो पर कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि मुझे अपने बच्चों का और दरबार के इनका सभी का वेट होता है, मैं उनको सक्षम बनाना चाहती हूँ, हर चीज की उनकी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ टाइम नहीं होता उनको पूछने के लिए, और नित नए सवाल होते हैं, और उन्हें चाहिए भी होते हैं ये सवाल, उसके निमित्त में इंट्यूशन थोड़ी मुझे आ जाती है, उसके निमित्त में वीडियो बना लेती हूँ, मुझे लगता है कि आपके सभी के सवालों के जवाब इसी पे ही मिलने चाहिए, ठीक है ना। तो जय माता की, जय श्री महाकाल।